जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। स्पर्श के नाम पर ठगी के मामले में एयरफोर्स के सार्जेंट, उनकी पेंशन में कई दिक्कत आ रही थी, स्पर्श में माइग्रेशन हुआ था, तो बता दें कि वो जब स्पर्श के लिए चक्कर मार रहे थे, उनको उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर हमारी पेंशन नहीं आ रही। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो उधर से OTP भेज गए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसने पूछा और रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो OTP भेजी थी उस OTP को उसने जिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था उसने पूछ लिया और इसके बाद उनके अकाउंट से 20,000 रुपये कट गए। तो इस तरह की ठगी हो रही है। आप अगर स्पर्श के नाम पर कोई OTP आपको मंगवाता है, भेजता है, तो आप उसको कतई बिल्कुल ना दें, इतना ध्यान रखें। OTP कभी ना शेयर करें, तो इतना विशेष ध्यान रखें। दूसरी बड़ी खबर, शहीद पिता का छलका दर्द। बता दें जो नरेश जाट था उनका डेथ के बाद उनकी बॉडी जब आई घर में तो उनके पिता ने कहा कि इस बॉडी का हम क्या करें, अगर शहीद होता तो गर्व होता। तो बता दें कि इस तरह की अगर घटना कोई करता है तो वो ना करे, क्योंकि अपने आप को मार लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो आपको यूनिट से आके चले जाना था, निकल जाना था छुट्टी के लिए। दूसरी बड़ी बात है, DLC ना भरने पर 18,000 लोगों की पेंशन बंद की गई। बता दें 25 जून इसकी लास्ट डेट थी DLC भरने की। 25 जून तक जिसने नहीं भरी वो 18,000 ऐसे लोग हैं जिनका इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुका है और उन्होंने अभी तक DLC नहीं भरी। दूसरी बड़ी खबर है रोजगार से, DSC यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में 25 जुलाई से निकली भर्ती भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती है और ये भर्ती जबलपुर सिग्नल रिकॉर्ड में भर्ती है। जबलपुर सिग्नल की वैकेंसी है, इसमें केवल सिग्नल के ही लोग भर्ती देख सकते हैं। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है केवल उन्हीं के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं, वही केवल इसके लिए एलिजिबल है जिन्होंने पहले इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मैंने एक वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कई लोगों ने कराया, कई लोगों ने नहीं कराया, तो जरूर करा लें। अपने सेंटर में रजिस्ट्रेशन पहले कराएं, तभी जब भर्ती निकलती है तभी वो कॉल करते हैं और तभी आप जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ICAR असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन्होंने फार्म भरे थे जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और उसका ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी घोषित हो चुकी है, जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।